तो और भाई लोग कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरी गेमिंग यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट भाई स्नेकफिश। भाई इस वाले गेम प्ले को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा मैं। जैसा कि आप लोग जानते हो भाई, जितने भी छोटे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, दो वजह से गाइज वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या तो गाइज उनका कॉन्टेंट ख़राब होता है, या फिर कॉन्टेंट अच्छा नहीं बना पाते हैं, आड़े टेढ़े कॉन्टेंट लेके मतलब कुछ भी अपलोड करते थे यूट्यूब पर, तो बंदों को देखना वो अच्छा ही लगता, तो क्या क्या भाई वो सब्सक्राइब नहीं करते भाई चैनल को और वीडियोज़ को देखते तक नहीं। तो और भाई दूसरी तरफ जो लोग होते हैं जो कंटेंट अच्छा बनाते हैं, बट सब कुछ उनका अच्छा रहता है, बट वो अपनी कमेंट्री की वजह से और अपने मतलब जो अदर प्रॉब्लम्स होती है, म्यूज़िक वगैरह नहीं डाल पाते या कुछ नहीं हो पाता, उनकी वजह से शायद उन पर मतलब नहीं बढ़ पाते हैं आगे, और उन पर वॉच टाइम अच्छा नहीं आ पाता है। मतलब रेगुलर जो 10 मिनट्स की जो वीडियोज़ डालते हैं वॉच टाइम आता है, 2 से 3 मिनट का वॉच टाइम आता है एवरेज ड्यूरेशन जो होता है। तो गाइस इस पर मतलब ये भी एक रीज़न होता है जो बंदे नहीं मतलब ग्रो अप कर पाते यूट्यूब पे। तो गाइस जितने भी लोग मतलब मेरी वीडियोस गाइस अगर देख रहे हो, तो गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग से, मेरा भी वही हाल है बट क्या करूँ। तो गाइस जितने भी लोग देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइस मतलब चैनल को भाई मतलब चैनल को नहीं मतलब वीडियो को भाई पूरा देखो भाई, पूरा इन्जॉय करो। मतलब ऐसा अगर आप मेरा वीडियो गेम प्ले के थ्रू मतलब देखोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और ऐसा अगर कमेंट्री देखोगे तो शायद कुछ गलतियां हो जाए या नहीं पसंद आए, तो भाई धीरे धीरे कमेंट्री भी एक दिन सही हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और भाई जैसा कि कुछ लोग बंदे मुझसे पूछते हैं कि भाई तू जो इंटरनल साउंड होता है वो क्यों नहीं डालता है, तो भाई इंटरनल साउंड डालने का मेरा एक रीज़न ये भी है कि मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, और मतलब इंटरनल साउंड अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो भाई मतलब जानते हो ना कम्युनिकेशन टूट जाता है, मतलब माइक ऑफ करना पड़ता है भाई अपने बंदों के साथ। तो भाई एक ये भी रीज़न होता है कि मैं इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, तो उसके लिए भाई सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और भाई एक रिक्वेस्ट और है मतलब आप लोगों से, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं, जो लोग मतलब हैं कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं मेरे इंस्टा पे, जितने भी मतलब जो भी है मुझे देखना यहाँ पसंद करते हैं यूट्यूब पे, तो भाई उनसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, और जो लोग भाई चैनल पे नए हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ यार ये वीडियो शेयर कर दो गाइस। तुम्हारा एक मतलब छोटा सा शेयर का बटन भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है, तो गाइस प्लीज़ यार अपनी वीडियो मतलब जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो। भाई एक एहसान और कर देना यार कि अपनी जब भी वीडियो शेयर करना तो भाई अपने फ्रेंड्स के नीचे कैप्शन में ज़रूर लिख देना कि भाई अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दो भाई प्लीज़ यार, एक ये छोटी सी हेल्प यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, तो प्लीज़ गाइज ये कर दीजिएगा, तो मुझे मतलब दिल से यार खुशी मिलेगी प्लीज़ गाइज। तो चलिए बात करते हैं इस गेम प्ले की। जैसा आप लोग देखिए कि हम लोग यहाँ रोज़ोक उतरते हैं, और रोज़ोक में हमारे साथ एक स्क्वाड भी है, तो इस स्क्वाड को भाई बहुत ही मतलब अच्छा खेल रही थी, और भाई जो थंबनेल इस वीडियो को आप लोगों ने देख ही लिया है, मतलब उस घर पे भाई पूरा होल मतलब सर्वर अटैक करता है भाई, तुम लोग देखो बस वो अभी लैंड में है, और भाई बहुत ही अच्छा अच्छा सीन है भाई, तुम लोग वीडियो को लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो भाई ये वाली जो स्क्वाड थी तो मेरे को जस्ट डाउन कर दिया था, तो मेरे टीममेट ने मुझे रैंक दे दिया तुरंत ही। अब देखो भाई इसको कैसे डाउन करते हैं। तो भाई उसने मुझे नॉक किया था तो उसने पुश नहीं किया, और जब मैं नॉक करूंगा तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, मतलब गलती थी कि वो लोग पुश नहीं किए, और पुश कर देते तो शायद हम लोग की स्क्वाड यहाँ वाइप हो सकती थी, बट यहाँ नहीं हुई। और जैसे ही मैंने इसको नॉक किया भाई, तुम लोग जानते हो कि मेरे अंदर जो कीड़ा है जागने मतलब नॉक घुसने वाला, वो जाग जाता है नॉक करने के बाद, तो तुरंत इस पर पुश करते हो, और पुश करने के बाद इस स्क्वाड को कैसे ठेलाया तुम लोग देखो बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले भाई मैं इधर क्लोज इन करता हूँ, क्लोज इन करने के बाद वो बंदा कहाँ मतलब पीछे वाले कमरे में नॉक हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई वो इधर आगे वाले कमरे में ही रेव ले रहा होगा, और आगे वाले कमरे में जीने के पास रेव लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने ठीक वहीं कुक करके नेट फेंका। अब कोई ESP हैक वगैरह मतलब मत बोल देना मेरे को कि ESP लगाया, तो भाई वहीं किया, और भाई ES रुकी, देखा भाई दोबारा नॉक हुआ, और एक बंदा इधर पीछे कूदा था, और भाई इधर साइड से मुझे भाई क्या ही गंदा डैमेज मिलता है। देखो भाई मैं तुरंत इधर कवर में गया, सबसे पहले भाई मैंने अपने नॉक को फिनिश किया कि मुझे कम से कम एक किल मिल जाए, और भाई एक बंदा मेरे पे पुश कर रहा है, अब देखो उसको कैसे मारा। TPP के अगेंस्ट भाई सबसे मतलब जो कारगर तरीका होता है आपका वो होता है भाई प्री फायर, इसने प्री फायर नहीं दिया और मैंने तुक्के से निकल के मतलब इसको नॉक कर दिया। तो भाई इधर ये भी फिनिश हो चुके हैं, तो मैं इधर हीलिंग करूँगा और चलते हैं दूसरे बंदों की तरफ।
तो ये दो बंदे बचते हैं और एक बंदा मेरे सामने वाले रेड हाउस में होता है, तो उसमें नेट करने का मैं ट्राई करता हूँ, बट देख चुके हैं आप जैसे कि वो लेफ्ट से रोटेट मतलब कूद चुका है, तो इसको कैसे भरेंगे, इसको क्लोज रेंज में जाके मारना पड़ेगा। तो चलिए गाइस क्लोज रेंज में जाके इसको मारते हैं। भाई एक एक एम कभी गोली लगना ना, मतलब 30% हेल्थ तो भाई चली गई, 30% उसकी हेल्थ चली गई मतलब मेरे बराबर उसकी हेल्थ है, तो इतने में तो भाई उसके बचने के कोई चांस नहीं था। यहाँ पे सीधा कवर में आके क्राउच एंड शूट, बंदा ख़त्म। और एक बंदा भाई सामने वाले घर पे, उसको भी देखो भाई कैसे मारा यहाँ पे। पहले प्री फायर कि कोई मुझे मतलब फायर ना करे वो, और उसके बाद डायरेक्ट घुसेंगे भाई। चलो भाई ये बॉट है, इसको मत बंदा मत समझ लेना तुम लोग। तो मैं यहाँ से भी एक नेट करने का ट्राई करता हूँ, बट जैसे ही मतलब मैं नेट करूँगा तो वो बंदा, जब हम लोग क्लोज इन करेंगे तो बंदा कूद जाएगा पीछे के साइड। भाई पीछे के साइड कूद ही जाएगा तो उसके बचने के चांसेस भाई जानते हो ना, मतलब कहाँ यार, मतलब कहाँ किसको, मैं अंदर घुसा फिर यहाँ से बाहर निकला, वो पीछे कूदा, और भाई एक एम का मतलब एक हेड और बंदा गया काम से। तो भाई ये क्लच अगर पसंद आया हो, तुम्हारे भाई ने किया ऑफ कोर्स, अगर पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को लाइक करो, और जो नए यूजर्स हो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और चलते हैं भाई आगे की तरफ। तो भाई मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण शुरुआत में दे दिया है, तो वीडियो बहुत काट काट के आपको दिखानी पड़ रही है। तो ये जहाँ सीन हुए थे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शांत रहो थांबा, बैठो बैठो आराम से। अब देखो भाई यहाँ सीन क्या होता है, यहाँ सीन एक ऐसा हो जाता है कि एक स्क्वाड हमारे रेड मतलब रेड हाउस में होती है, और एक स्क्वाड तुम्हारी पहाड़ से इन पर रश कर देती है, जो सामने जो नीचे वाले हाउस है वहाँ एक अलग स्क्वाड है, तो मतलब दो स्क्वाड हमारे सामने है। तो भाई हम लोग बीच में पिसना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग दूर से ही मज़े ले रहे थे। तो दूर से मज़े लेते रहते, मैंने एक बंदे को ठिला दिया यहाँ पे, और ठिला दिया तो भाई उसने मेरे बंदे को ठिला दिया, और फिर मैंने उसको भी ठिला दिया। अब कितनी बार ठिलाएंगे भाई यहाँ पे। चलो भाई मतलब अब यहाँ पे जो सीन हो जाता है कि देखो भाई जो नीचे वाली स्क्वाड है ऊपर वाली स्क्वाड पे पुश कर देती है, और उतनी ही देर में एक स्क्वाड और आ जाती है। मतलब खाई यहाँ पे कतई मतलब पूरा फाड़ू सीन हो गया, मतलब तीन स्क्वाड आई और तीनों स्क्वाड की थर्ड पार्टी हमने लिया आराम से। तो देखो भाई कैसे लिया, और खूंखार दरिंदों की तरह आपस में ये लोग लड़ने भड़ने कटने मटपिरने सबके बाद भाई बचते हैं तीन बंदे, और तीन बंदे को तुम्हारे भाई ने कैसे मारा बस देखो। यहाँ से अंदर घुसा, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से निकला, अब वो थे बंदे आगे बाउंड्री वॉल पे। तो भाई देखो एक को नॉक किया, और भाई दो बंदे तो मूर्ति बन के वहाँ बैठे हुए, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट से बंदा आ गया, उनको हीलिंग करने से पहले मतलब करो हीलिंग भाई, हीलिंग करते रहते ठेला दिया भाई, और चलो भाई अगले बंदों को ठेलाते हैं। और अब हम लोग आते हैं भाई ये वाले घर पर, यहाँ क्या ही गलत सीन हुए, बस तुम लोग देखो यार जैसी गाड़ी रुकी भाई सामने एक और गाड़ी, और भाई प्री फायर तो भाई तुम लोग खोल खोल के दो, मतलब थरकी लौंडो कुछ और मतलब मत समझ लेना खोल के। तो भाई इसके दो बंदे मैंने नॉक कर दिए, तो भाई दो बंदे नॉक करने भाई डायरेक्ट पुश, तो भाई कतई हार मतलब बनता है ब्रो। आखिरी बंदे का किल भाई जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई बहुत डैमेज दिया, बट क्या कर सकते हैं भाई टीममेट को भी किल चाहिए, तो कोई नहीं भाई चलो भाई दूसरे क्लच की ओर। अब भाई सीन आता है वो वाला जिसको आप सब मतलब आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ हम लोग भाई जैसे ही गाइड ठोका तुरंत भाई एक ऊपर स्क्वाड है एक नीचे स्क्वाड है, ऊपर का तो हम लोग को मालूम था, नीचे वालों का हम लोग को मालूम नहीं था भाई ये देखो कैंपर स्क्वाड पूरी भाई कसम से, और एक स्क्वाड बाहर से आती भाई देखो कैसे ही ठहला है भाई ये बंदा टेलीपोर्ट। अबे ये क्या मतलब है क्या ये मतलब है ही क्या ये भाई कसम से बंदा टेलीपोर्ट कैसे हुआ मुझे कोई बताना कमेंट में भाई, ये बंदा टेलीपोर्ट हुआ तो हुआ कैसे। अब भाई लास्ट बंदा था तो इसको भी ठहलाते हैं। तो भाई दो बंदे इस साइड से आ रहे होते, तो भाई प्री फायर तो भाई बहुत ही गजब की चीज़ है जो तुम लोग को हमेशा देनी चाहिए बंदों पे। भाई प्री फायर दोगे तो भाई कहीं से बंदा आने का आपको संभावना भी लगे कि उस दरवाजे से आ रहा है, भाई प्री फायर मारो, अगर नॉक हुआ ना भाई कसम से भाई आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे ब्रो। तो यहाँ एक नीचे स्क्वाड वाइप हो चुकी है, भाई पूरा जोन अब तुम लोग देखो पूरा जोन अब भाई यहीं बनेगा इसी घर में लास्ट वाले सर्कल तक, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाते, बाहर जाएंगे तो भाई ऊपर वाले बंदे मारेंगे, और भाई मतलब टोटली हम लोग यहाँ पूरी तरीके से फंस गए थे। और नेट वेट करके हम लोग इनका एक बंदा ठेला देते हैं, बट चलो भाई कार के सीन दिखाता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जो यहाँ हमारी जो सन्नी लियोनी थी उनका दुखद रूप से यहाँ गैंग बैंग हो गया, उस मतलब बंदे ने उसकी ले ली कसम से। तो भाई देखो कैसे ली उसकी, अब मैं इधर से सोच रहा था तो गॉड निक्सन्स की टिप्स एंड ट्रिक्स, बट यहाँ उल्टा ही हो गया, बंदा डीपी लेके सामने ही बैठा था, जैसे ही हमारे सन्नी लियोनी ऊपर चढ़ी उसका बलात्कार हो गया ऊपर। तो भाई कसम से अगर सीन पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो गाइस, मतलब सब्सक्राइब ठोको यार अभी के अभी।
मतलब भाई ये तो वही वाला सीन हो गया कि अपने अब्बा पे ट्राई करना ये ट्रिक। तो एक बंदा गाड़ी लेके आता है, बट मुझे मालूम नहीं था कि मैं जहाँ से कूदूंगा वो वहीं राइट में मतलब मेरा लेके बैठ जाए। और तो भाई ये बंदे का सरप्राइज़ अटैक, उसी पे सरप्राइज़ पड़ गया भारी, तो इसको भी ख़त्म किया। चलो भाई दूसरे सीन की तरफ। तो गाइस इस जोन में जितने बंदे थे जो आउटर रिजेज पे लड़ रहे थे, यहाँ पे नहीं आ रहे थे। यहाँ पे इसलिए भी नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई अब देखो भाई ये जो बंदा था जो इसको नॉक करके भाई डायर फिनिश कर दिया, क्योंकि ऊपर ही बंदे हैं भाई कसम से। तो जोन छोटा हो रहा है, उन लोग को भी जोन में आने का है। तो ये लोग को मतलब लास्ट स्क्वाड थी, अब मेरी स्क्वाड बची ऊपर वाली स्क्वाड। जहाँ भाई क्या बोल रहा था कि जोन मतलब वो बाहर बाहर लड़ रहे थे, अंदर नहीं आ रहे थे भाई, इसलिए क्योंकि एज अ टीम अप भी हम लोगों ने इस स्क्वाड के साथ कर लिया था कि मतलब हम भी मार रहे थे बाहर वालों को और ये भी मार रहे थे बाहर वालों को, एज अ मतलब वो घर में नहीं आ पा रहे थे बंदे। तो ये तरह से हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी था ये। तो भाई ये आखिरी जो सीन है जो 16 किल हो चुके हैं तुम्हारे भाई के, बट आखिरी जो सीन है वो रिकॉर्ड नहीं होता है गाइस। पता नहीं क्यों मेरे रिकॉर्ड में कोई परेशानी आ गई थी, रिकॉर्ड नहीं होता है। बट वो स्क्रीनशॉट में ले लिया है गाइस विनिंग का, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये विनर हो चुका है। तो होप से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। प्लीज़ यार जो शेयर करने के लिए बोला था भाई, प्लीज़ यार शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोग को। और भाई जो लोग नए हो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार और लाइक कर दो भाई इस वीडियो को। चलो भाई मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।